नमस्कार, आज फिर मैं आपके लिए हिंदी विषय के अंतर्गत एक विज्ञापन लेखन लेकर आया हूँ। तो प्रश्न कुछ इस प्रकार से पूछा गया है, त्योहारों और शुभ अवसरों पर पापड़ खाने में एक अलग स्वाद देते हैं, ठीक है? आप भारत की पुरानी व मशहूर पापड़ कंपनी लिज्जत पापड़ पर 25 से 50 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जब हम प्रश्न पत्र पढ़ें तो उसमें प्रश्न को क्या करेंगे, एक से दो बार पढ़कर समझ लेंगे, और दो चीज़ें कि किसके विषय में विज्ञापन कहा गया है, ठीक, और कंपनी का अगर नाम दिया तो वो भी देख लें। देखो इसमें क्या कहा गया है, एक कंपनी का नाम क्या है, देखो पापड़ कंपनी लिज्जत और विषय क्या रहेगा, पापड़। तो दो चीज़ें, कंपनी रहेगी लिज्जत और उसका विषय क्या, पापड़ है। तो हम लिज्जत पापड़ का विज्ञापन तैयार करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिख लेंगे उत्तर। अब उत्तर में लिख दिया लिज्जत पापड़ का विज्ञापन, अगर इतना ना लिख पाओ तो ऐसे भी लिख सकते हो विज्ञापन लेखन, ठीक है? अगर आपको लिज्जत पापड़ लिखना ना आए तब लिख दो क्या, विज्ञापन लेखन। ये हो गया आपका लेखन, ठीक। इन दो में से जो आपको उचित लगे उसको लिख लें, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम पेन पेंसिल दोनों में से किसी एक और स्केल की सहायता से एक हम बॉक्स बना लेंगे इस तरह से। ये देखो पूरा बॉक्स बना, ऐसे बॉक्स बना लेंगे और नीचे भी हम एक लाइन खींच देंगे, उसके नीचे हम दो लाइनें लगभग छोड़ के रखेंगे ताकि हम पता भी लिख सकें, ठीक है? फिर उसके बाद क्या करेंगे, जब हमारा बॉक्स बन जाए तो ऊपर लिख देंगे हम शीर्षक, लिख दिया लिज्जत पापड़, ठीक। तो सबसे पहले हम लिखेंगे शीर्षक, तो हमने शीर्षक लिख दिया लिज्जत पापड़, और उसके साइड में लिख देंगे हम देश का नंबर वन ब्रांड, वास्तव में नंबर वन भी है और बहुत पुराना भी है, ठीक। फिर उसके बाद हमने क्या किया, चित्र बना देंगे। आप चित्र में बहुत आसान है, ऐसे एक गोला बना दिया, फिर इसके बाद में दो तीन ऐसी लाइनें और कर दो, और इसमें ये हम आधा चंद्र बना देंगे, और फिर ये ऐसी दो लाइनें खींच देंगे और इनको इसे मिला देंगे तो ये मुड़े हुए पापड़ देखेंगे, और ऐसे ये हम निशान इस तरह से छोटे छोटे बना देंगे जिससे क्या हींग, काली मिर्च और जीरे के निशान भी दिखेंगे। तो ये देखो आसानी से बन गया चित्र। अब उसके बाद हम लिख देंगे चारों तरफ उसकी जो खूबियाँ विशेषताएँ हैं। तो देखो ये लिखा, अफगान की असली हींग की खुशबू में, क्योंकि जो लिज्जत पापड़ हमेशा अपने पापड़ों में हींग अफगानिस्तान से मंगाकर ही प्रयोग करती है, ठीक। और ये देखो हमने स्लोगन लिख दिया कुर्रम कुर्रम कुर्रम, फिर लिख दिया भारत के मशहूर पापड़, बहुत अच्छे। नीचे चित्र के लिख दिया पापड़, अब ये एक और स्लोगन लिख दिया हमने, जी ललचाए रहा ना जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने लिख दिया पता, सेवा पापड़ गृह उद्योग मुंबई कौमा महाराष्ट्र, फिर फ़ोन नंबर लिख दिया 9907108, फिर तीन एक्स बना दिए। हम कभी भी जब भी फ़ोन नंबर लिखेंगे तो ऐसे ही हम लिखेंगे, यानी असली पूरा नंबर नहीं लिखेंगे, कुछ हम अक्षर क्या करेंगे छिपा लेंगे। फ़ोन नंबर के पास में ही हमने मेल लिख दिया, ठीक है, lijjat@gmail.com। आप उसकी वेबसाइट का भी नाम लिख सकते हो, लेकिन इतना काफ़ी पर्याप्त है। अब ये पूरा विज्ञापन बनने के बाद दिखाई कैसे देता है इसको हम और देख लेते हैं, ठीक है। जब पूरा विज्ञापन बनके तैयार हो जाएगा तो कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। ये देखो उत्तर लिखा, ये शीर्षक और ये स्लोगन, ये उसका चित्र और ये पता। तो इस तरह से हम साफ सुथरा और स्वच्छ बनाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन सी सावधानियां रखनी, एक तो इसको विज्ञापन के फॉर्मेट में बनाना, यानी बॉक्स में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जो ये हम स्लोगन या बिंदु लिखते हैं हमेशा ऐसे स्लोगन या बिंदु का ही प्रयोग करें, शब्दों का कहने का अर्थ यह है कि उन शब्दों या वाक्यों का ही प्रयोग करें जो आप आसानी से सरल और सही लिख लेते हो। जो शब्द लिखने में कठिनाई आती हो या मुश्किल होती हो उनका प्रयोग बिल्कुल ना करें, इससे क्या होगा आपकी अशुद्धियाँ नहीं होगी और अंक भी नहीं कटेंगे, क्योंकि विज्ञापन लेखन में आपकी भाषा पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है कि आपको लिखना आता है कि नहीं आता, किसी चीज़ को प्रस्तुत करना, ठीक है। तो फिर अगर कोई ऐसा विषय हो जिस पर आपको विज्ञापन लिखने में कोई कठिनाई आ रही हो तो हमें कमेंट करके वो विषय ज़रूर लिखकर भेज सकते हैं, और इस विज्ञापन को आप दो बार देख कर लिखें, फिर तीसरी बार बगैर देख कर लिखें, उसके बाद फिर मिलान कर लें,
अगर जो गलतियां रह गई हों उसको हम सुधार लेंगे। तो इस प्रकार से हम दूसरे विषय विज्ञापन से संबंधित उनका भी अभ्यास कर सकते हैं। और फिर हमें बताइएगा कि आपको विज्ञापन लेखन में कौन कौन सी कठिनाई या समस्या आई थी और आपने कितने दिनों में विज्ञापन लेखन सीखा था। तो फिर आशा करता हूँ कि विज्ञापन बनाना आपने सीख लिया होगा। अगर समझ में फिर भी ना आया तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।